हमारे जो पहले घर था अगरतला टाउन में, ये इस रास्ते से जाया करता था। अच्छा ही हुआ है हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए, क्योंकि ये बहुत कोरोना इन्फेस्टेड प्लेस है। इस रास्ते से हम लोग जाते थे हमारे पुराने घर पर। मैं अपने भैया के साथ उनके स्कूटी पर आया हूँ, इसलिए मेरे सर पर आप लोग हेलमेट देख पा रहे हो। मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ वो एक सरप्राइज है, वो आगे जाके इस ब्लॉग में पता चलेगा। इसी नोट पे आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हो सौरभ क्रिएट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ और ये सरप्राइज़ है मेरे दोस्त के घर। आप लोग हमेशा ही मेरे ब्लॉग्स में देखे हो कि मेरे दोस्त मेरे घर में आया हुआ है, और आज मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ। तो मैं बिहाइंड द सीन्स दिखा देता हूँ कि कैसे वो अपने वीडियो शूट करता है। तो देखो दोस्तों, ये है मेरे दोस्त का YouTube सेटअप। इसमें वॉइस ओवर देता है, और ये इसका प्राइमरी एडिटिंग लैपटॉप है, और ये एक सेकेंडरी PC है, इसमें भी कभी कभार एडिटिंग कर लेता है। इसके पास बहुत ही गैजेट्स है, और इसका DIY वाला सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है, और ये ऐसे करके ये वीडियोस अपना बनाता है। यहाँ पर दो ट्यूबलाइट है, खड़े कर अपना लाइटनिंग कंडीशन बनाता है। तो इसके लैपटॉप में ये फीचर देख रहे हो शायद कैमरा में आ रही है, ये एक्चुअली विंडोज 11 का फीचर है। इसका स्क्रीन टूटा हुआ है, इसलिए एक लाइन बना रहा है बीच में। इसका लैपटॉप पूरा, इसका स्क्रीन खराब हो गया, ये खराब हो रहा है। पर्पल पर्पल कलर का एक लाइन पड़ गया है नीचे साइड पर, तो व्हाइट लाइन पड़ा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि रिप्लेस करवा ले। तो अभी तो ये कोरोना का कांड चल रहा है, तो इसका खत्म होने के बाद सोच रहा हूँ, जब तक चल रहा है चलने दो, उसके बाद चेंज करेंगे। ब्रो तेरा हिंदी बहुत ही मस्त है, तो हिंदी में ब्लॉग बना। अभी कुछ मेरे चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग्स पेंडिंग पड़े जो कि बंगला में है, तो वो सब जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सोच रहा हूँ हिंदी में काम करते हो। हम लोग अपन बंगाली जो लोग हैं वो सब हिंदी समझते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्म देखते हैं, तो बंगाली सब हिंदी समझते हैं, कुछ कुछ बोल भी। फिर भी अगर हिंदी होता है तो अपन लोग एक साथ ड्रो करेंगे यूट्यूब में और धूम मचा देंगे। ये बात सही, ये बात सही। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ब्रो ने एक कैमरा खरीदा हुआ है, और इस कैमरा से उसके कुछ पिक्चर्स क्लिक की है, वो अभी ये दिखा रहा है मुझे। देखो कितना सुंदर है, और ये सभी पिक्चर अनएडिटेड है। कैमरा का भी मेनू सीख रहा हूँ, उस पर से मैंने एक्स्ट्रैक्ट लेंस भी लिया है, मैनुअल लेंस, तो मैनुअल फोकसिंग अपर्चर एडजस्टमेंट ये सब भी सीख रहा हूँ। तो कुछ तस्वीरें मैंने लिए थे, बैकग्राउंड तो सभी बोके इफेक्ट, कितना सुंदर है बोके इफेक्ट के लिए बैकग्राउंड ब्लरिंग जो फीचर लेंस में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वही सीख रहा हूँ। ये सभी मेरे पति जी ने बनाया है। कौन सा? MS पेंट पर ये मेरे भतीजी ने बनाया है। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये क्या है? ये कॉकरोच है? नहीं, ये स्पाइडरमैन है। उसने जी जान से कोशिश लगाई थी, लेकिन अब ब्लू कलर का बन गया और ये स्पाइडरमैन लिटरली स्पाइडर ही हो गया। स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडर स्पाइडर। लंच टाइम, और हम लोग अभी लंच करेंगे, और लंच के लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे। अभी हम लंच करने वाले हैं, तो आज का टाइम बहुत ही मज़ेदार गुजरेगा। शाम तक हम एक साथ रहेंगे। मेरे पास एक्चुअली मेरे पास नहीं, मेरे भाभी के पास दो खरगोश है, खाने नहीं वाले हैं, पेट है। तो आपको ब्लॉग में आगे दिखेगा, तो सौरभ को भी दिखाऊंगा, उसने दिखा नहीं है अभी तक। उसके बाद हम बनाने वाले हैं दो पतंग। वैसे तो बहुत सारे पतंग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ड्राइंग के पर्पज से मैं आज और दो पतंग बनाने वाला हूं। और आसमान में भी पेच लड़ाएंगे, उड़ाएंगे, पेच लड़ाएंगे। कल पेच लड़ाकर दो पतंग को काट दिया था,
आज दोबारा पेज लाने के लिए और दो बनाएंगे और बाकी मेरे भाई ने भी बहुत सारे बनाए हैं और आज मेरे पिताजी भी उड़ाने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि वो भी पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो आज मेरे पिताजी उड़ाने वाले हैं, वो भी देखेंगे, मज़ेदार बहुत। ये ब्लॉग के साथ आप लोग जुड़े रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मेरे दोस्त के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब और उसके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ये भी आज का एक ब्लॉग बना रहा है जो आने वाले दिन में आप लोगों को इसके चैनल में मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ और एंजॉय करते रहे, एंजॉय करते रहे। हाँ तो दोस्तों, हमने हमारा खाना स्टार्ट कर दिया। हाँ। और कितने सारे आइटम्स देखो बहुत सारे आइटम्स, कुछ आइटम्स मम्मी ने बनाए हैं, कुछ आइटम्स भैया ने बनाए हैं, दोनों ही एक्सपर्ट हैं। और ये आइटम नंबर 12 फिश करी, तो हम लोग खा लेते हैं, फिर बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों, ये देखो आप लोग, इसका नाम है रिंकी और ये है पिंकू। की क्यूट, तो यहाँ पर पतंग उड़ाने की कोशिश हो रही है और देखो आसमान में कितने सारे पतंग हैं। कल अंकल जी के एक पतंग को हमने काट दिया था फिर आज उन्होंने कलरफुल पतंग उड़ाई, तो हमारी अखबार से बनी पतंग देखकर वो नीचे उतार रहे, उसके बाद वो अब शायद अपना अखबार वाला पतंग उड़ाएंगे और दोबारा कटेंगे। आसमान का नज़रिया जस्ट देखो कितना सुंदर हुआ हो रहा है, ये क्लाउड का फॉर्मेशन। और अभी शाम का 6 बज रहे हैं और बहुत घने बादल भी छाए हुए हैं और हवा भी बह रहा है। ये रहा टुम्पा के घर के छत पर गार्डन, बहुत सारे पौधे हैं, ये इसका नाम भूल गया। और यहाँ पर फूलों का पौधा, एक छोटा नीम के पौधा भी है।
बिरयानी टाइम। और फिर हम लोगों ने बिरयानी खाकर चाय शाय पी के मैंने घर में लौट आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना एंड सपोर्ट दिस चैनल क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय शिव शंभू।